कह दो मुझे जो पिया प्यार। गाइस इंस्टाग्राम पर एक और ट्रेंड आ चुका है ये वाला, और गाइस इस वाले ट्रेंड के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी है गाइस सबके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। तो गाइस अगर आप इस टाइप की फुल वायरल टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस आज की वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। गाइस आपको टी शर्ट के पीछे नाम कैसे लिखना है और गाइस आपको भी फिर वायरल इफेक्ट कैसे ऐड करना है गाइस आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो गाइस वीडियो फटाक से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बाकी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहले करना क्या है गाइस, आपका सामने फोटो बनानी पड़ेगी ठीक है ऐसी वाली। तो देखो उसके लिए क्या करना है गाइस, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है anupsagar.com ठीक है। आपका पे इतना टाइप करना है, देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ये जो दिख रही है ठीक है। गाइस आपके सामने यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी ठीक है, मेरी ही वेबसाइट है। अब देखो गाइस आपका पे इस वाली पोस्ट पे क्लिक करना है, ये जो दिख रही है ठीक है, आपका पे इस पे क्लिक करना है। गाइस अब यहाँ पे ऊपर आ रही है ठीक है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे नीचे भी ऐसे भी जा सकती है, तो आपका पे अच्छी तरीके से देखना है। और गाइस अगर आपको फिर भी नहीं मिलते तो देखो क्या करना है, आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है कपल टी शर्ट ठीक है। सो मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, आपको इतना टाइप करना है, देन आपको सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाली पोस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो बहुत ही इजीली। देन गाइस आपको पे नीचे की साइड आना है और देखो गाइस आपका पे दिख रहा होगा क्रिएट योर इमेज ठीक है, ये वाला। गाइस आपको पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ेंगे ठीक है, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब गाइस देखो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ठीक है, वरना गाइस इसी वाले प्रॉम्प्ट्स को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसे लिख सकते हो। और गाइस आपको बस टाइम ऐसे ही डालना है। अब गाइस देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा नाम ठीक है, यहाँ पे अनूप नाम है। गाइस आपका पे अपना नाम लिखना है ठीक है, जो भी आप यहाँ पे टी शर्ट पे लिखवाना चाहते हो आपका पे इसे कट करके अपना नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख कर रखा है ठीक है। अब गाइस देखो आपका पे इस वाले नाम को भी कट कर देना है ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पे इसको भी कट कर देना है। और गाइस दूसरा आप यहाँ पे जिसका भी नाम लिखना चाहते हो टी शर्ट के ऊपर आपका यहाँ पे वो वाला नाम लिख देना है ठीक है। गाइस आपका पे सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं आपका पे बता रहा हूँ ठीक है। देन आपका पे क्रिएट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस देखो जब आप यहाँ पे इसका पहली बार यूज करोगे गाइस आपको पे अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है। गाइस बहुत ही आसान अकाउंट बनाना, बस आपका पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है और गाइस आपका पे ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। गाइस बहुत ही आसान है। देन आपका पे क्रिएट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपका पे थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी फोटोज बन के आ जाएंगी। सो गाइस यहाँ पे हमारी फोटोज बन के आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फोटो बन चुकी है। तो गाइस अगर आपको भी सेम ऐसे प्रोफेशनल तरीके से फोटो बनानी है तो गाइस आपका पे इस वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा ठीक है। तो गाइस आपका पे इस वाली को करना है तब यहाँ पे ऐसी फोटोज आपको मिल पाएंगे। अब गाइस देखो आपको चार फोटो देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे इनमें से कोई पसंद नहीं आते हैं आपको फिर से क्रिएट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे चार फोटोज और आ जाएंगे ठीक है। सो गाइस जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे वाली फोटो चूज कर लेता हूं, गाइस काफी ज्यादा हार्ड लग रही है देखने में, आप पे देख सकते हो। देन आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस ऑटोमेटिक ये वाली फोटो डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइस अभी क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मेन काम है गाइस आपको यहाँ पे इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी और गाइस आपको पे ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट भी ऐड करने पड़ेंगे, तो गाइस अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। सो गाइस अभी क्या करना है, देखो आपका सबने VN ऐप को ओपन करना है और गाइस इस वाले ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, फोटो वाला ऑप्शन जाएंगे, गाइस आपका सबने फोटो चूज कर लेना जो कि हमने ऐसे अभी के अभी बनाई थी ठीक है, तो क्लिक करेंगे चूज करेंगे। अब गाइस देखो आपका पे लास्ट में जाना है, वाटरमार्क पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है और इसकी लेंथ को गाइस आपको 15 सेकंड तक कर लेना है ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है। देन आपका पे ओरिजिनल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस यहाँ पे आपको 9:60 वाला फ्रेम चूज करना है ठीक है। और गाइस आपका सामने फोटो पे क्लिक करना है, गाइस आपका पहले की तरह कर लेना है ठीक है। सो यहाँ पे से इतना करेंगे, आप देख सकते हो। देन आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, साइड एंड स्लाइड करना है, गाइस आपको बीजी वाले ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमेज वाले ऑप्शन क्लिक करना है ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन आपका पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस देखो अभी क्या करना है, आपका पे ट्रेंडिंग वाला ब्लर इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा और गाइस आपका पे जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस आपका इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पहले से अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइस वीडियो सेव हो चुके हैं, देन आपको पे बैक करना है और गाइस आपका सामने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट ठीक है। गाइस आपका पे इतना टाइप करना है और आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, गाइस आपका पे हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट और गाइस आपको पे लास्ट में anupsagar.com लिख देना है ठीक है, आपका पे इतना जरूर से करना है। देन आपका पे सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करना है, गाइस आपका पे नीचे की तरफ आना है और देखोगे आपका पे इस वाली पोस्ट पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो ठीक है। गाइस आपका पे इस वाले पे ही क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपका पे नीचे
नीचे की साइड जाना है, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे बटन देखने के मिलेगा यूज वायरल टेम्पलेट, ठीक है, ये वाला। और गाइज देखो इसके लिए आपको यहाँ पे कैपकट ऐप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला टेम्पलेट कैपकट ऐप में ही वर्क करेगा, ठीक है। और गाइज कैपकट ऐप को आप मेरे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, गाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और गाइज इस वाले बटन पे क्लिक करने से पहले गाइज आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और गाइज यहाँ पे आपको टाइप करना है सुपर वीपीएन, ठीक है, आपको इतना टाइप करना है। और गाइज आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मैंने पे पहले से डाउनलोड करके रखा है, सो गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा तभी गाइस आप पे टेम्पलेट का यूज कर पाओगे, ठीक है, ट्रेंडिंग वाले टेम्पलेट का। बस आपको इस कनेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना, गाइस आप पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक से दो मिनट वेट कर लेना है। सो गाइस जैसे आप कनेक्ट हो चुका है आप अभी देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट जरूर से कर लेना है, देन आपको यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, यूज वायरल टेम्पलेट वाला पे, देन आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक कैपकट टाइम में रीडायरेक्ट हो जाएगा, देन आपको यूज टेम्पलेट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और यहाँ से अपनी वीडियो को चूज कर लेना है जो कि हमने से अभी के भी बनाई थी, ठीक है, VNF से। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन क्लिक करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, जैसे आप ऑटोमेटिक वीडियो एडिट हो जाएगा आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे स्लो मोशन एड हो रहा है, तो जब तक आप 100 नहीं हो जाता है आपका भी वेट करना है। तो यहाँ पे स्लो मोशन भी ऐड हो चुका है, देन आपको पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस अभी क्या करना है, आपका पे ट्रेंडिंग वाला साउंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है बताने वाला हूँ, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। सो यहाँ पे वीडियो सेव हो चुके हैं, देन आपको ऐसे बैक करना है। और गाइस ऐसे फिर से कैपकट ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे करेंगे ओपन, देन आपको एडिट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको ऐसे अपने वीडियो को चूज कर लेना है जो कि मैंने अभी के अभी एडिट की थी, ठीक है, कैपकट ऐप से। और यहाँ पे एड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। गाइस अभी क्या करना है, देखो आपका पे ऑडियो वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्स्ट एडिट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे आपको एक साउंड वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है, तो क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। देन आपका पे इंपोर्ट साउंड ओनली वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस आपको पे साउंड वाली वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। सो गाइस देखो अभी क्या करना है, आपके यहाँ पे जो वीडियो का साउंड है, ठीक है, जो टेम्पलेट वाला साउंड है आपका पे उसे जीरो करना पड़ेगा। तो गाइस आपका सामने वीडियो पे क्लिक करना है, साइड में स्लाइड करना है, वॉल्यूम वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपका बिल्कुल जीरो कर देना है। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस आपका सामने वीडियो को अपने साउंड के बराबर का कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और गाइस यहाँ पे से पीछे की साइड लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे साउंड के बराबर का हो चुका है। गाइस वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, अभी चला के देख लेते हैं। गाइस वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है, देन आपको अभी सॉल्व ऑप्शन क्लिक करना है, कैसा फिर ऑटोमेटिक ये वाली वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे मैंने जिस साउंड वाली वीडियो का यूज किया, तो गाइस इसकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस कैपकट ऐप को आप मेरे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और गाइस टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस इस वाली वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारा टाइम लगा, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और गाइस ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट जरूर से कर देना।